एनसीआर सोनीपत हरियाणा की सब्जी मंडी में इस समय हम मौजूद हैं और कड़ाके की ठंड है तो यहां ग्राहक भी बहुत कम देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। आप यहां पर जो तस्वीरें देख रहे हैं सोनीपत की सब्जी मंडी से सामने आ रही है कि नज़र जहां जहां तक जाती है बहुत कम ग्राहक जो है वो नजर आ रहा है। खास बात यह है कि सर्दी बढ़ रही है तो ग्राहक भी अब मंडी में कम ही नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने एनसीआर सोनीपत हरियाणा से। यहाँ एक सब्जी विक्रेता है, उससे एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिर सब्जियों का इस समय क्या रेट चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? सब्जियों के रेट नॉर्मल चल रहे हैं, 40 रुपए किलो मटर, 40-35, शकरकंदी 50 रुपए किलो और अदरक 40 रुपए पाया चल रहा है। इस समय सबसे महंगा सब्जी मंडी में लहसुन चल रहा है, जो 80 से 100 रुपए पाया चल रहा है। ग्राहक मंडी में ठंड के कारण नजारा दो है, थोड़े बहुत चल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ बताया कि सब्जी मंडी में ग्राहक जो है वो कम ही नजर आ रहा है। क्या नाम है जी? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ, सर्दियों में सर्दी ज्यादा है जी, ठंड और ग्राहक नहीं है जी कभी भी, और सब्जी महंगी नहीं है, सस्ती है। जो सब्जी महंगी है जैसे भिंडी है, करेला है, तोरी है, अरवी है, जैसे गोभी है तो 20 रुपए किलो है, जैसे खीरा है वो 40 रुपए है, जैसे घिया है 40 रुपए, मटर है 40 रुपए, टमाटर है 40, 2 किलो 70 का, अदरक 40 की पाई, आधा किलो 70 की। अच्छा, और अदरक 30 रुपए किलो। खास बात यह है कि जो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं एनसीआर सोनीपत हरियाणा से, अब आपके सामने सब्जियों के रेट जिस तरह से अभी आपने सुन लिए हैं, और भी कुछ ग्राहक हैं उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास जो है वो कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश जी, क्या बोलना चाह रहे हो? सर्दी काफी बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई जी, सर्दी बढ़ने से ग्राहक तो कब होता ही होता है। भाई कुछ 10 दिन बाद निकला हुआ, ठीक रेट है, ये नहीं कह सकते भी बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन महंगी नहीं है, महंगाई नहीं है। खुश हो? बिल्कुल खुश। इस तरह से अभी आपने यहाँ सब्जी विक्रेताओं के अतिरिक्त ग्राहकों को भी सुना है, यानी के सर्दी का असर अब सब्जी मंडी में भी जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि सर्दी अधिक बढ़ने की वजह से लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं और सब्जी मंडी में इस समय कम ग्राहक पहुंच रहा है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।